अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि हम बनाएंगे विदाउट अवन। हमें अवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम अवन के बगैर भी बेकिंग कर सकते हैं। तो जी मैं बेक कर रही हूँ पिज़्ज़ा, और ये देखिए इसकी डो इतनी सॉफ्ट बनेगी ना कि आप कहेंगे कि पिज़्ज़ा आपने खुद बनाया। तो जिस तरह मैं बना रही हूँ बस उन स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैंने गर्म कर लिया, उसमें 1 स्पून मैंने शुगर ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं यीस्ट यानी कि खमीर। तो आपने पहले ही ऐड करके रखना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, ठीक है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है सॉल्ट और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। सिंपल वेजिटेबल ऑयल होता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े टेबलस्पून मैंने ऐड किया है योगर्ट, ये ऐड करके हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, ये जो यीस्ट वाला मिक्सचर था वो फ्लफ़ी हो गया है, तो हम जो यीस्ट को इसी तरह इसीलिए गर्म पानी में ऐड करते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाए और इस तरह आपको पता चल जाता है कि ये ख़राब है या ठीक है। अगर आप इसी तरह अपने मैदे के मिक्सचर में ऐड कर देंगे ना, क्या पता वो एक्सपायर भी हो सकती है, तो आपका जो मैदे का मिक्सचर है ना, आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, डोनट्स बना रहे हैं कुछ भी, तो वो ख़राब हो जाता है। मेरे साथ 1-2 बार इस तरह हुआ है। इसलिए आप डायरेक्ट जो है मैदे में मत यीस्ट को ऐड करें, पहले इसको एक्टिवेट करें। वो एक्टिवेट होती है, फ्लफ़ी होती है, तो फिर उसको आप ऐड करें, नहीं तो आपका सारा मटेरियल वेस्ट जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने ये गूंद लिया है, इसको मैं नीम गर्म पानी से मैंने गूंदा है, ठीक है। आपने ये डो नीम गर्म पानी से बनानी है और इसको मैंने कवर करके रख दिया, एयर टाइट करके रख देना है तकरीबन 1 आवर के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून केचप, चिली गार्लिक केचप ले लो या सिंपल केचप ले लो, मैंने चिली गार्लिक केचप ली है। उसमें थोड़ा सा सोल्ट ऐड किया है और ये ओरिगैनो है। अगर आप सिंपल केचप ले रहे हो तो आप उसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लो, मैंने चिली गार्लिक केचप लिया, इसमें ऑलरेडी चिली फ्लेक्स हैं। बस ये हमारा इजी सा पिज़्ज़ा सॉस बन के हो गया है रेडी। अगर आप मार्केट का यूज़ करना चाहते हो आपकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, मुझे बेसिकली मुझे मार्केट का इतना पसंद नहीं, मुझे उसकी टेस्ट जो बाहर से मिलते हैं वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं घर में ही बना लेती हूँ। ये हमारा 1 आवर में जो है हमारी डो जो हो गई है वो राइज हो गई है। आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि 1 आवर में हमारी डो राइज हो गई है अच्छे से। अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर जो पिज़्ज़ा है वो बनाएंगे। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना कि आपकी डो राइज नहीं हो रही, उसको बार बार नहीं देखना ओपन करके। 1 आवर में खुद ही अच्छी सी राइज हो जाएगी। अगर टाइम है तो 1.5 घंटे के लिए आप रख लें, लेकिन 1 आवर में ही अच्छी राइज हो जाती है। मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा हम नीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पैन ले लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी पिज़्ज़ा पैन है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। ऑयल से हम इसलिए ग्रीसिंग करेंगे ताकि जो है हमारा पिज़्ज़ा नीचे ना लगे। वैसे नीचे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियात रखें। अगर आप बटर पेपर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल काफ़ी है, ये चिपकना नहीं है। मैंने जो नीड किया था मैदा, मैदे की डो है, उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे रोलिंग पिन से, ठीक है। पहले मैं थोड़ा बहुत इसको रोलिंग पिन से बेल लूँगी, उसके बाद जो मैं इसका साइज़ है वो पिज़्ज़ा के पैन पे ही बना लूँगी, क्योंकि मैं बेलने में रोलिंग पिन से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो आप में थिकनेस इसकी नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ना ही बहुत ही मोटा रखना है। अभी इसने बेक होके भी फूल जाना है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी थिकनेस रखी है। अगर आपने बिल्कुल पतला कर दिया तो ये पक के लकड़ी बन जाएगा, तो पतला बिल्कुल भी मत करिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी मत रखिएगा, कहीं कच्चा रह जाए। बीच में मैंने फोक से ना इसमें होल्स कर दी हैं, इसलिए क्योंकि ये हमने बीच में जो है इसके सेंटर में चीज़ें रखनी है, मतलब कि मटेरियल ऐड करना है, तो उससे क्या होगा, ये राइज अप नहीं होगा। अब जो हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी मैंने वो ऐड कर दी है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने दोनों मिक्स की हैं, आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ में भी दोनों मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स होती हैं। या तो आपको जो सी भी पसंद है, मोज़रेला पसंद है वो ऐड कर लें, चेडर चीज़ पसंद है वो ऐड कर लें। ये मैंने चिकन लिया है, चिकन मैंने ऑलरेडी बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, आप जौन से भी मसाला ऐड करना चाहते हैं वो बना के उसको फ्राई कर लें। और साथ ही मैंने सॉसेजेस भी लिया। अच्छा, ये टॉपिंग्स अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ऐड करो। ये साथ ही मैंने इसमें अनियन ऐड किए हैं, कैप्सिकम ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर लो, ये टोटली आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ऐड करो, आपको जो पसंद है वो इसमें ऐड करो। टोमेटोज़ ऐड करने हैं, कैप्सिकम ऐड करने हैं, कुछ भी ऐड करना है, मशरूम्स ऐड करने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पे जो कुछ मुझे पसंद था और अवेलेबल था वो ऐड कर लिए हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर लिए हैं, तो ऑलिव्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़े से ही ऐड किए। एंड पे इसकी मैं थोड़ी सी टॉपिंग और कर लूँगी चीज़ से। अब चीज़ भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें।
तो इन्हें मैंने बेक होने के लिए रख दी है। 20 to 25 मिनट्स में ना इसमें बेक हो जाना है, ठीक है। और ना अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, 20 to 25 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। जो ये देखें बेक हो गया है, जो ओवन में पिज़्ज़ा होता है ना, ये आप कहेंगे ये कच्चा लग रहा है, कच्चा नहीं है, ये बिल्कुल पका हुआ है। ओवन में पिज़्ज़ा जो होता है वो गोल्डन हो जाता है, जो इसकी साइड्स होती हैं ना वो गोल्डन होती हैं, वो ओवन की वजह से होती हैं। हम इसको पतीले या कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, ये उसमें वो देखिए लाइट से नीचे से गोल्डन हुआ है, तो वो ऊपर से गोल्डन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर से हीट थोड़ी ना मिल रही है। ओवन में क्या होता है, ऊपर से भी हीट मिलती है, इसलिए वो गोल्डन हो जाता है। ये देखिए मेरा इतना सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है, इसकी डो बहुत ही सॉफ्ट थी। अच्छा ईस्ट जो है आपने 1 टीस्पून ही ऐड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करनी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।